सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विलेकी और आप लोग देख रहे हैं प्ले गेमिंग। सो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि हमारे गेम में तीन टाइप्स के प्लेयर होते हैं, एक जिन्हें हम नूब कहते हैं, एक जिन्हें हम प्रो कहते हैं और एक जिन्हें हम लेजेंड कहते हैं। तो इसी तरह आज हम एक ऐसे लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसे फ्री फायर कभी भुला नहीं सकता, जिसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसके 90% वीडियोस में 1 मिलियन से ज्यादा व्यू है। सिर्फ गिने चुने 5 से 6 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें 1 मिलियन व्यूज ना हो, और साथ ही साथ जिसने सिर्फ 64 वीडियो में 2.64 मिलियन सब्सक्राइबर्स करके बैठा है, जिसे खुद White444 अपनी इंस्पिरेशन मानता था। इनफैक्ट White444 खुद उसका स्टूडेंट था। White444 के लास्ट में जो 444 है वो इसी की वजह से है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ Black9444 के बारे में। नहीं, मैंने नाम गलत नहीं प्रोनाउंस करा, इसका नाम ऐसी है Black9444। ये जो N है उसका फुल फॉर्म 9 है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। तो गाइस, ऐसा क्या हुआ कि इस लेजेंड को फ्री फायर और यूट्यूब छोड़ना पड़ा, हालांकि इसे इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था कि इसने सिर्फ 64 वीडियोस में 2.64 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर दिया था। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी यहां से सब्सक्राइब कर देना ऐसी कमाल की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और इन सब प्लेटफॉर्म में मुझे फॉलो कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, आपको बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि इसने White444 के साथ कस्टम खेला और White444 ने इसे बहुत ही बुरी तरह हराया, इसलिए इसने फ्री फायर को छोड़ दिया। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, ये रीजन 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसने फ्री फायर को छोड़ा था March 2020 को, और White444 के साथ इसका कस्टम हुआ था November 2020 को। इसमें 9 महीने का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से हम इसे 100% कंफर्म रीजन नहीं कह सकते। तो फिर 100% रीजन क्या है? तो उसका रियल रीजन आता है, वो है एलिगेशंस। आपको ये बात तो पता ही होगी, हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में जो भी बंदा ग्रो करता है, जो भी बहुत अच्छे से हेडशॉट मार लेता है बिना हैक यूज करे, उसे सब बंदे हैकर, एमबॉट यूजर ये बोलना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये सब अभी भी चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में पीएन जेम्स को भी सब हैकर बोल रहे थे, पर मुझे पता है वो बंदा पूरी तरह से फेयर गेम प्ले करता है। पर ये एलिगेशन अभी लगा है, और जो Black9444 का एलिगेशन था वो लगा था आज से कुछ 3 साल पहले, जब प्लेयर्स को ये भी नहीं पता था कि वन टैप ड्रैग किसे कहते हैं। और उस टाइम पे ये बंदे ऐसे वन टैप मारता था जो आज के प्लेयर्स भी नहीं मार पाते, जिसकी वजह से इस बंदे को इतनी ज्यादा हेट मिली, इतनी ज्यादा एलिगेशन लगी इसके ऊपर, इसने यूट्यूब को छोड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन उसके बाद भी वो फ्री फायर खेलता ही था, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ फ्री फायर खेलता था, उनकी लाइव स्ट्रीम में भी फ्री फायर खेलता था। लेकिन उसके 6 महीने बाद जब White444 ने कस्टम के लिए चैलेंज किया, उस दिन के बाद से कहीं भी नहीं मिला, मतलब कि कोई भी वीडियो में नहीं दिखा, कोई भी लाइव स्ट्रीम में नहीं दिखा, यहाँ तक कि उसकी आईडी भी 20 दिनों से ऑफलाइन पड़ी है, क्योंकि इसे पहले से इतना ज्यादा हेट मिल चुका था, हर बंदे से हैकर कह रहा था। और उसके बाद इसने White444 से कस्टम मारा, वो भी इतनी बुरी तरीके से कस्टम मारा, White444 7 राउंड जीता और वो सिर्फ 1 राउंड जीता, जबकि White444 खुद इसको इंस्पिरेशन मानता था। उसके बाद प्लेयर्स ने इसे और ज्यादा हेट करना शुरू कर दिया, और हैकर तो इसे पहले से बोल रहे थे, लेकिन हम सबको पता है आज की ये हैकर नहीं था। और इसने White444 को जो 1 राउंड मारा वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि White444 क्या है, इसलिए उसने जो White444 को 1 राउंड हराया वही बहुत बड़ी बात थी। अभी आप ही बोलो, अगर आपके सामने कोई हैकर है, आप उसके साथ कस्टम खेल रहे हो, तो आपके साथ क्या ही होगा, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ 1 गोली मारना है, चाहे वो कहीं भी मारे आपको तो हेड पे ही लगने वाली है। और आप जो आप उसको मुंह भी नहीं दिखा सकते हो, तो आप उसका क्या ही कर लोगे, क्योंकि बस आपने मुंह दिखाया तो आपका गेम खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वैसे यार, अपनी कम्युनिटी खराब है, बात तो सही है। जो भी बंदा फेयर गेम प्ले करके अपनी खुद की मेहनत करके इतनी अच्छी वीडियो बनाता है, उसे तो सब हैकर बोल देते हैं। तो फिर मुझे हैकर क्यों बोल रहा है तू? है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। गजब बेइज्जती है। और जो हैक लगा के, एमबॉट लगा के अपना गेम प्ले दिखाते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। अरे अभी तो बोला तूने हैकर। अरे मेरी बात तो सुन, रुको जरा, सबर करो। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर, वैसे अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और आप White444 को क्या मानते हो, हैकर या लेजेंड, ये भी जरूर से बताना। तो चलिए गाइस, यही कुछ रीजन थे Black9444 की वीडियो अपलोड ना करने के। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी अच्छा सब्सक्राइब कर देना, और इन सब प्लेटफॉर्म में मुझे फॉलो कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और इस वीडियो का आइडिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद गेमिंग। अगर आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।